टॉप 10 रिचेस्ट एंड लार्जेस्ट कार कंपनी इन द वर्ल्ड। दोस्तों स्वागत है आपका एजीके टॉप 10 के एक और इंफॉर्मेटिव और रोचक वीडियो। दोस्तों आज के दौर में कार हम सबके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। हमारी जिंदगी में इतना अहम हिस्सा होने की वजह से ये जानना भी जरूरी है कि विश्व की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा कार उत्पाद करने वाली कार कंपनी कौन सी। तो पूरा जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नंबर 10, निसान। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहन की सबसे बड़ी निर्माता है निसान मोटर्स, जो कि आज की तारीख में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, जो कि एक जापानी कंपनी है जिसकी शुरुआत 6 दिसंबर 1933 को विलियम आर गोरम और यशुके आइकावा ने जापान के निशिकी योकामा में किया था। दरअसल निसान पहले डार्ट जिडोसा कंपनी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन वाई आइकावा द्वारा 1934 में डैट कंपनी का सारा शेयर खरीद लिया गया। तब से ये निशान और हिताची द्वारा संभाला गया, लेकिन 1999 में फ्रांस की बड़ी कंपनी रिनॉल्ट और 2016 में मिताबुशी के साथ सहयोग करने के बाद ये दुनिया भर में 56,53,683 कारों की बिक्री के साथ ही 2020 में इसका वैश्विक राजस्व 90,886 मिलियन US डॉलर का हो गया। विश्व भर में अपने शानदार व्यापार की वजह से फोर्ब्स सबसे बड़ी कंपनी की सूची में 512वां स्थान हासिल कर लिया निसान मोटर्स। नंबर 9, BMW। दुनिया भर के लोग इसकी खूबसूरत डिजाइन के दीवाने हैं और लाखों लोगों का तो सपना है इस ब्रांड को खरीदना। दरअसल BMW पहले हवाई जहाज का इंजन बनाती, जो कि अब जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनी, जिसकी शुरुआत 7 मार्च 1916 को कैमिलो कास्टिग्लियो, एफजी पॉप और कार्ल रैप द्वारा किया गया। दरअसल इसकी शुरुआत 1916 में BFAG कंपनी के नाम से हुई, बाद में 1922 में इसका नाम बदलकर BMW कर दिया गया। BMW 1922 से 1928 तक BMW सिर्फ मोटरसाइकिल उत्पादन कंपनी थी, पर 1928 के बाद BMW ने अपनी पहली स्पोर्ट्स कार बाजार में उतारी, जिसकी पहली कार थी BMW 3x50। उसके बाद ये विश्व भर में अपने बेहतरीन स्पीड और डिजाइन के लिए चर्चा में रहे, जिस वजह से आज इसका वैश्विक राजस्व 104.210 बिलियन यूरो है, जो कि साल 2019 में 21,85,793 कारों का विश्व भर में निर्यात किया है, जिस वजह से फोर्ब्स की सूची में 75वां स्थान हासिल है। साथ ही दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी कार उत्पादक कंपनी है BMW। नंबर 8, फिएट क्रिसलर। फिएट क्रिसलर एक अमेरिकन इटालियन ऑटोमोबाइल कंपनी है, जिसकी शुरुआत 12 अक्टूबर 2014 में हुई। दरअसल इसके संस्थापक फिएट स्पा और क्रिसलर ग्रुप है, जिसका मुख्यालय यूके के लंदन में स्थित है। दरअसल 2009 में क्रिसलर पूरी तरह से दिवालिया हो गया, जिसके बाद 2012 में फिएट ने क्रिसलर के 58.5% की हिस्सेदारी खरीद ली। फिर 21 जनवरी 2014 में बचे हुए 41.5% की भी हिस्सेदारी खरीद। तब से क्रिसलर ऑटोमोबाइल फिएट की हो गई, जिसको खरीदने के लिए फिएट ने 4.9 बिलियन यूएस डॉलर की रकम चुकाई है। उसके बाद मात्र 5 वर्षों के कम समय में दुनिया भर में फिएट का राजस्व 108 बिलियन यूरो का हो गया है। उस साल 2019 में 22,03,663 गाड़ियों का व्यापार किया। नंबर 7, होंडा। होंडा अपने बेहतरीन डिजाइन की वजह से आज दुनिया भर में 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है। दरअसल होंडा टोक्यो जापान की कंपनी है, जो अक्टूबर 1946 को सोइचुरी होंडा और टोक्यो फुजिसावा द्वारा जापानी बाजार में स्थापित हुआ। दरअसल होंडा कंपनी की शुरुआत 1937 को बतौर ऑटोमोबाइल कंपनी के तौर पर हुआ था। हालांकि होंडा का पहला कॉन्ट्रैक्ट टोयोटा के साथ हुआ, जो कि गाड़ियों का पिस्टन का था, पर खराब क्वालिटी की वजह से टोयोटा ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। पर 1943 में होंडा ने जबरदस्त बाजार में वापसी की और अब दुनिया भर की लगभग गाड़ियों को पिस्टन प्रदान करने वाली कंपनी है, जिसका वैश्विक राजस्व आज की तारीख में 1,38,250 मिलियन US डॉलर है। होंडा ने विश्व भर में 53,57,013 कार उत्पादन किया था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नंबर 6, हायुंडई मोटर्स, जिसकी शुरुआत 52 वर्ष पूर्व 1967 में चुंग यू जंग द्वारा किया गया, पर चुंग यू जंग ने 1948 में हायुंडई कंपनी की शुरुआत एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर साउथ कोरिया में किया था, पर 1968 में फोर्ड के साथ मिलकर हायुंडई ने अपना पहला मॉडल कॉर्टिना लॉन्च किया। दरअसल हायुंडई को सबसे बड़ी उछाल तब मिली जब 1996 में हायुंडई भारत में प्रवेश हुई और भारतीयों द्वारा इस कार को काफी पसंद किया।
दिया गया। आज Hyundai इतनी बड़ी कंपनी है जिसका कुल राजस्व 105.79 ट्रिलियन का है, वो भी कोरियन करेंसी के अनुसार, क्योंकि 2019 में Hyundai मोटर्स ने विश्व भर में 4.4 मिलियन कार बेची है। नंबर 5, जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स ने विश्व की 4 बड़े ऑटोमोबाइल्स को खरीद रखा है, जिसमें एक तो हम सब जानते हैं, जिसमें पहली है शेवरोलेट, दूसरी है बुइक, तीसरी है जीएमसी और चौथी है कैडिलैक। हालांकि जनरल मोटर्स भी एक अमेरिकन कार कंपनी है, जिसकी शुरुआत 16 सितंबर 1908 को विलियम सी डुरंट और चार्ल्स स्टुअर्ट ने की, जिसका मुख्यालय यूएस के मिशिगन और डेट्रॉइट में है, जो कि अमेरिका की 13वीं सबसे बड़ी कंपनी है, क्योंकि जनरल मोटर्स ने 1904 में बुइक मोटर को खरीदा, फिर 1916 में लुई शेवरोलेट से शेवरोलेट मोटर को खरीदा और आज ये सब जनरल मोटर्स कार कंपनी से ही जानी जाती है, जिस वजह से जनरल मोटर का वैश्विक राजस्व 137.237 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि 2019 में विश्व भर में 77,17,930 कारों का व्यापार किया, जिस वजह से फोर्ब्स सबसे बड़ी कंपनी की सूची में 89वां स्थान हासिल है जनरल मोटर्स को। दोस्तों, वीडियो को देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपसे ऐसी जानकारी मिस न हो जाए। नंबर 4, फोर्ड। इस कार ब्रांड को तो हर भारतीय जानता है, क्योंकि हमारे रतन टाटा ने इन्हीं से जैगुआर का बदला लिया था, जो कि हमने टॉप 10 कार इन इंडिया में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के अंत में वो वीडियो दिखेगा, उसे जरूर देखिएगा। दोस्तों, फोर्ड भी एक अमेरिकन मोटर कंपनी है, जिसकी शुरुआत 16 जून 1903 को हेनरी फोर्ड ने किया था, जिसका मुख्यालय आज भी डरबन मिशिगन अमेरिका में ही। दरअसल 21वीं सदी की शुरुआत में फोर्ड को फाइनेंशियल क्राइसिस का जोरदार सामना करना पड़ा, पर 2012 में फोर्ड ने फिर से जोरदार विश्व बाजार में वापसी और 6 साल के अंदर 2018 में अमेरिका की 11वीं सबसे बड़ी कंपनी का खिताब हासिल किया और इस वर्ष फोर्ड का वैश्विक राजस्व 155.9 बिलियन यूएस डॉलर पर पहुंच गया, जो कि 2019 में विश्व भर में 24,22,698 कारों का व्यापार किया। नंबर 3, डैमलर एज। डैमलर कार ब्रांड का नाम शायद हम में से बहुत लोग नहीं जानते, पर यह सच है कि 2020 में ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी। पर डैमलर एज को आप मर्सिडीज नाम से जरूर पहचान जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मर्सिडीज एक कार का नाम, मर्सिडीज बेंज की कार की ब्रांड कंपनी डैमलर एजी, जिसकी शुरुआत 1926 में डैमलर बेंज कंपनी नाम से जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में कार बेंज द्वारा हुआ। बाद में बेंज कंपनी को कैटलेफ डैमलर द्वारा खरीद लिया गया। तब से मर्सिडीज बेंज डैमलर एजी ऑटोमोबाइल, जो कि विश्व की सबसे बड़ी लग्जरी कार और ट्रक निर्माता कंपनी, जिसका विश्व भर में राजस्व 172.745 बिलियन यूरो का है। साथ ही डैमलर कंपनी ने विश्व भर में 23,39,562 मर्सिडीज बेंज की कारों का व्यापार विश्व भर में किया है। इसी वजह से फोर्ब्स सबसे बड़ी कंपनी की सूची में 326वां स्थान हासिल हुआ है डैमलर एजी कंपनी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर 2, वॉक्सवैगन। दुनिया भर में वॉक्सवैगन की गाड़ियों को बहुत पसंद किया जाता है, हालांकि ये भी जर्मन की कार कंपनी है, जिसको जर्मन लेबर फ्रंट द्वारा खोला गया। दरअसल जर्मन लेबर फ्रंट रॉबर्ट ले द्वारा खोली गई एक सामाजिक कार्यरत कंपनी थी, जिसको बाद में अडोल्फ हिटलर द्वारा नियंत्रित कर लिया गया था, जिसकी शुरुआत 1937 में हुई और आज इसका मुख्यालय वॉक्सवैगन जर्मनी में है। वॉक्सवैगन का सबसे बड़ा बाजार चाइना है, जहां वॉक्सवैगन की 40% कार निर्यात होती है, जो कि साल 2000 के बाद एक बेहतरीन स्पोर्ट्स कार के रूप में सामने आई है, जिसका 2020 में वैश्विक राजस्व 282.9 बिलियन यूएस डॉलर का, जिसने साल 2019 में 10.8 मिलियन कार दुनिया भर में बेची है। इसके पीछे का कारण है वॉक्सवैगन द्वारा खरीदी गई विश्व की 5 सबसे बड़ी लग्जरी कार ब्रांड, जिसमें 1998 में स्कोडा, बेंटली, लैम्बोर्गिनी और बुगाटी को अपनाया और 2012 में पोर्श कंपनी को खरीद लिया, जिस वजह से फोर्ब्स विश्व की सबसे बड़ी कंपनी की सूची में 23वां स्थान हासिल कर लिया वॉक्सवैगन मोटर्स ने। नंबर 1, टोयोटा। दुनिया भर के अधिकतर लोग इस कार ब्रांड को जानते हैं और अगर आप भी इस ब्रांड को जानते हैं तो वीडियो को लाइक करके बताइएगा। हालांकि टोयोटा एक जापानी कंपनी है, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 1937 को जापान के टोयोटा सिटी में किचारो टोयोटा द्वारा किया गया था, जो कि जापान की सबसे बड़ी कार उत्पादक कंपनी है।
और 2018 में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी थी, पर 2020 में ये विश्व की नंबर वन कार उत्पादक कंपनी बन गई है, जिसने 1997 में भारत में प्रवेश किया और भारतीय द्वारा इसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया और मात्र भारत में आने के 6 साल बाद टोयोटा फोर्ब्स लिस्ट में शामिल हो गई, वो भी 8वें नंबर पर। 1940 से 1960 के बीच टोयोटा को काफी घाटों का सामना करना पड़ा, पर जापानी सरकार ने टोयोटा की गाड़ियों को विदेशों तक पहुंचाने के लिए कंपनी की लगातार मदद, और इसी वजह से आज टोयोटा का वैश्विक राजस्व 275.4 बिलियन US डॉलर का है। टोयोटा ने 2019 से विश्व भर में 10.97 मिलियन कारों का विश्व के बाजार में निर्यात किया, जो कि विश्व भर में 4 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है, जिस वजह से टोयोटा 2020 में विश्व की नंबर वन कार कंपनी बन गई। वैसे हमारे टाटा मोटर्स भी इस दौर में विश्व की 18वीं सबसे बड़ी कार कंपनी है। दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपकी पसंदीदा कार कौन सी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव और फैक्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।